सन 10 नबवी जब मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम की नबूवत मुबारक को 10 साल गुजर गए तो सन 10 नबवी और रमज़ान की 10 तारीख को 10वें रोज़े हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा आप इस जहान फ़ानी को छोड़कर जहान बाकी की तरफ इंतकाल फरमा गए। और जब आपका इंतकाल हुआ तो मेरे आका सर्वरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर आप दीदा हुए। और फिर जब मामला आया गुस्ल का तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने हजरत उम्मे ऐमन और अपनी चची हजरत उम्मे फजल को हुक्म दिया कि वो गुस्ल दें। गुस्ल के कफन दफन के फराइज उम्मे ऐमन और उम्मे फजल ने सर अंजाम दिए और कब्र शरीफ के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने अपने दस्ते अकदस से हजरत खदीजतुल कुबरा को कब्र पाक में खुद उतारा और मकाम हजून के मुकाम पर जिसे आजकल जन्नतुल माला कहते हैं मक्के का वो मशहूर जमाना कब्रिस्तान के जिसकी जियारत हाजी आप भी करके आते हैं मकाम हजून मौजूदा जन्नतुल माला में आपको सुपुर्दे खाक किया। और चूंकि आपकी वफात हजरत अबू तालिब की वफात के 3 रोज बाद हुई और बाद सीरत निगारों के नज़दीक 5 रोज बाद हुई मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए ये 2 पै दर पै सदमे हजूर अलैहिस्सलाम के लिए बड़े ही तकलीफ दे साबित हुए और आपने इस साल को गम का साल करार दिया, आपने इस साल को आमुल हुजन करार दिया, आपने इस साल को अपने लिए दुख का साल करार दिया। क्योंकि ये 2 हस्तियां हजरत खदीजतुल कुबरा की हस्ती जिसने तसल्ली के साथ जब आप परेशान होकर आते तो आपको तसल्ली देते, जब आपको माल की जरूरत पड़ती तो आपके कदमों पर दौलत निछावर कर देते, अपनी कोई चीज माल हो खिदमात हो आका अलैहिस्सलाम पर लुटाने से दरेग ना किया। एक तो खदीजा रुखसत हुई और दूसरे वो चचा रुखसत हुए जो आप अलैहिस्सलाम की तरफ से मदाफियत करते थे, जो कुफार और मुशरकीन को इतनी जुर्रत पैदा ना होने देते थे कि वो आप अलैहिस्सलाम को गजंद पहुंचा चुके। तो ये दोनों हस्तियां यके बाद दिगरे 3 एक दूसरे के दरमियानी इनका वक्फा 3 दिन का और बाज़ के नज़दीक 5 दिन का जब ये रुखसत हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने इस साल को गम का साल करार दिया। और इमाम तबरानी रिवायत करते हैं कि वफात खदीजतुल कुबरा के बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने आपकी उस बावफा जौजा का जिक्र हुआ खदीजतुल कुबरा का जिक्र हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया खदीजा जन्नत में है और खदीजा को खुदा ने एक मोतियों से बना हुआ महल अता फरमाया है जिस महल में ना कोई शोर है ना तकलीफ है, सुकून ही सकून।